डालते हैं आज के तीन खबरों पर एक साथ। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने साउथ जोन और नॉर्थ जोन के सभी पेट्रोलिंग व्हीकल्स को सैनिटाइज किया। आइए फिर उसकी दूसरी तरफ हम आपको एक खबर दिखाते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स अब तक एहतजाज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर, क्योंकि वाजह है कि तेलंगाना की हुकूमत ने 3 महीने का बिल एक ही साथ दे दिया। 3 महीने का बिल गरीब इंसान कहां से लाकर भरेगा। आइए इसकी तीसरी जानिब हम आपको ले चलते हैं। ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने बड़ा बेहतरीन काम किया, जानकर आपको भी हैरानगी होगी, क्योंकि एक फार्मेसी में काम करने वाला एक स्टाफ मेंबर अपने सामने की फार्मेसी के ओनर पर निगाह रखता था और वो कब अपने घर जाता है, कब शॉप बंद करता है, वो तमाम टाइमिंग इसको मालूम थी। वहीं पर ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। प्लान के मुताबिक जो है फार्मेसी का ओनर जब लॉक कर अपने घर को जाता है, उसी टाइम पर पकड़कर इससे पैसा लूट लेते हैं। पुलिस के बयान के मुताबिक यूं बताया गया कि 2,60,000 रुपए का कैश इसके पास था, जो कि ये बदमाश गैंग इसके पास से लूट ली है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करते हुए एक प्रेस मीट मुनाकिद की। प्रेस मीट में तमाम तफसीलात बताई। अब आइए हम आपको भी दिखाते हैं तमाम तफसीलात। के बाद आगे चलेंगे। नमस्कार, आज हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक नोटोरियस डकैती गैंग का अरेस्ट हुआ और इस अरेस्ट के साथ 2,60,000 रुपीज का कैश का रिकवरी भी हुआ, जिस और 2 बाइक्स, नाइफ, स्क्रू ड्राइवर और सेल फोन। इस गैंग के जो 5 मेंबर्स की गिरफ्तारी हुई, उसमें सैयद फरूक पाशा एज 26, अमन नगर तालाब कट्टा, सैयद फयाज इमरान एलियस फैजू एज 25 पुरानी हवेली, आमिर खान एज 24 शाली बंडा, मोहम्मद वसीम एज 25 काला पत्थर, सैयद अब्दुल कादर हुसैन एलियस फैसल एज 21 मुगलपुरा एंड समीर जो अभी नामपल्ली का रहने वाला है वो अभी एब्सकॉन्डिंग है। ये पूरे गैंग का जो लीडर है सैयद फारूक पाशा, ये फार्मेसी शॉप में काम करता है कोटी के पास और उसने ने पूरा ये प्लान किया और सामने वाले के पास जो कैश रहता था डेली ट्रांजैक्शन का, ये लोग सब मिलकर प्लान करे बैग स्नैचिंग का और उसके बाद फयाज और सब मिलकर ये लोग स्नैचिंग करे और उसमें स्क्रू ड्राइवर से स्टैबिंग भी किए। ये पूरा अमृत बार पुतली बौली के पास हुआ, अफजलगंज पुलिस स्टेशन लिमिट का ये केस है। पुराने हिस्ट्री भी हैं इनके ऊपर, क्राइम नंबर 119/20 सुल्तान बाजार में सैयद फारूक पाशा इन्वॉल्व है, क्राइम नंबर 35/12 अटेम्प्ट टू मर्डर केस मुगलपुरा का सैयद फयाज इसमें इन्वॉल्व है, क्राइम नंबर 182/19 शाली बंडा का केस है जिसमें आमिर खान इन्वॉल्व है, क्राइम नंबर 316/2017 मादापुर पुलिस स्टेशन का जो केस है। ये पूरे ऑपरेशन में हमारे एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स वर्ती और उनके लीडरशिप में के श्रीनिवास इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ईस्ट जोन टास्क फोर्स, के प्रवीण कुमार डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अफजलगंज, एसआई वेंकटेश श्रीनिवास रेड्डी गोविंदी स्वामी और टास्क फोर्स के पूरे ऑफिसर्स, जिनको इतने अच्छे काम के लिए सिटी पुलिस के तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आज A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।